तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करवाने की जिद करके सिंघू बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने 200 दिन से ना सिर्फ आसपास के लोगों की जिंदगी मुहाल कर रखी है, बल्कि इससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से आने वाले भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों को दिल्ली से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अब मुसीबतों का हाईवे बन गया है। इन राज्यों के लाखों लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली के आसपास के गांवों के लोग घरों में कैद हो गए हैं। इन गांवों के बच्चे घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। छात्रों को स्कूल जाते समय परेशानी उठानी पड़ रही है। आसपास की फैक्ट्रियां व पेट्रोल पंप बंद होने से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नौकरी करने वाले लोग रोज कई किलोमीटर घूमकर जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि दिल्ली के किसानों को अपनी खड़ी फसल खेतों में ही जोतनी पड़ रही है। राजीव जैन का कहना है कि 200 दिन से पेट्रोल पंप बंद है, हर रोज लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। काम ना होने की वजह से आधा स्टाफ कम करना पड़ रहा है, इससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की वजह से लाखों यात्रियों को भी परेशान होना पड़ रहा है। प्रभुदयाल के मुताबिक 200 दिनों से काम ठप पड़ा है, दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। आसपास के किसानों ने परेशान होकर बीते महीने गोभी की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया था। यहाँ दुकानदारों का भी धंधा चौपट है, बंद दुकानों का किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। प्रदर्शनकारियों को यहाँ से उठा देना समय की जरूरत है। सचिन ने बताया कि रात के समय काम से जब घर लौटते हैं तो सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी गाड़ियों के सामने लाठियां लेकर खड़े हो जाते हैं। हमारे गांव में आकर हमसे ही पूछते हैं कि कहां जाना है। इनमें से कोई किसान नहीं है, सभी नशे में धुत रहते हैं। यातायात गांवों से होकर गुजर रहा है, बच्चे घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। रविवार को हरियाणा के सोनीपत जिले में एक व्यक्ति पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तब जाकर हरियाणा के लोगों की आंखें खुली और उन्होंने इनका विरोध किया। जब तक दिल्ली के गांवों के लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये नहीं उठेंगे।